स्वातंत्र्योत्तर भारत के राजनीतिक और सामाजिक इतिहास को समझने के लिए जिस एक शख्स के विचारों और जीवन का अध्ययन किया जाना जरूरी है, उनमें से एक हैं जयप्रकाश नारायण। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जानेंगे आज ज्ञान की डिजिटल दुनिया धीरे रेडियो के इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अंजुम शर्मा। जयप्रकाश नारायण, जिन्हें हम जेपी कहते हैं, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक रहे। भारत के समाजवादी आंदोलन के वो शीर्ष नेता रहे और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के दौरान कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्यों में से एक थे। सिताब दियारा गांव में जेपी की पैदाइश हुई। 9 साल की उम्र में पटना के एक स्कूल में दाखिला हुआ, जिसके बाद उन्होंने पटना कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन आज़ादी के आंदोलन के प्रभाव में उन्होंने पटना कॉलेज छोड़कर कांग्रेस द्वारा स्थापित बिहार विद्यापीठ में पढ़ना पसंद किया। इसके बाद वो अमरीका गए। वहाँ के प्रगतिशील माहौल में उन्होंने मार्क्स, लेनिन, प्लेखनोव और रोजा लक्जमबर्ग को पढ़ा। इसके बाद जेपी 27 साल की उम्र में वापस भारत लौटे। अब जेपी को गांधी से मिलना था। जब वो गांधी से मिलने पहुंचे तो उनकी मुलाकात हुई जवाहरलाल नेहरू से। नेहरू ने उन्हें इलाहाबाद में कांग्रेस के लेबर रिसर्च डिपार्टमेंट का चार्ज संभालने के लिए कहा। जेपी उस समय मार्क्सवादी हुआ करते थे और गांधी से उनकी कुछ असहमति थी, लेकिन आंदोलन के दौरान जब कम्युनिस्टों की कांग्रेस विरोधी भूमिका उन्होंने देखी तो उन्हें ये पसंद नहीं आया और उन्होंने कांग्रेस का साथ देना ज्यादा पसंद किया। 1932 में उन्होंने कांग्रेस के महामंत्री के तौर पर देश में संघर्ष का संचालन किया। इस समय गांधी और नेहरू समेत कई नेताओं को जेल में डाल दिया गया था। जेपी भी गिरफ्तार हुए और नासिक जेल पहुंचे। यहां उनकी मुलाकात मीनू मसानी, अच्युत पटवर्धन, अशोक मेहता जैसे लोगों से हुई। इन नेताओं की आपसी बातचीत और विचार विमर्श का परिणाम यह हुआ कि आगे चलकर कांग्रेस के भीतर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। साल 1942 में जब गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया था तो जेपी उस समय जेल में थे और वो जेल की दीवार फांद कर भाग निकले। लेकिन गांधी की रणनीति के विपरीत जेपी आजादी के आंदोलन में हथियारों के इस्तेमाल को पूरी तरह से गलत नहीं मानते थे। आपको यहां बता देना चाहता हूं कि ब्रिटिश सरकार की मशीनरी ठप करने के लिए जेपी के नेतृत्व में क्रांतिकारी कार्यवाहियां भी हुई। 1947 में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया और लाहौर के किले में बंदी बनाकर रखा गया। लोहिया भी गिरफ्तार किए गए थे। इन दोनों को जब बाद में रिहा किया गया तो नायकों की तरह इनका स्वागत किया गया था। शुरू में जेपी मार्क्सवाद से प्रभावित थे, जैसा मैंने आपको बताया, और कुछ मसलों पर गांधी के आलोचक भी रहे, लेकिन बाद में उनका रुझान गांधीवाद की तरफ होता चला गया। साल 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की भूमिगत कार्यवाहियों के कारण जेपी अपने जीवन में ही एक बड़ी हस्ती बनकर उभरे। इस संघर्ष ने उन्हें जनता और कार्यकर्ताओं के बीच लोकनायक की उपाधि दिलवाई थी। स्वतंत्रता के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी आंदोलन का नेतृत्व किया। हालांकि खुद उन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा, 50 के दशक में उन्होंने जनता की सीधी भागीदारी वाले लोकतंत्र और रेडिकल डिसेंट्रलाइजेशन यानी विकेंद्रीकरण के पक्ष में कुछ सिद्धांत पेश किए, जिन पर काफी बहस हुई। जब उनका सक्रिय राजनीति से मोह भंग हो गया तो उन्होंने सर्वोदय का दामन थामा। 1960 के दशक में उन्होंने बनारस में गांधी अध्ययन संस्थान की स्थापना की और फ्रिट्ज शुमाकर को उसका निदेशक बनने के लिए आमंत्रित किया गया। हालांकि शुमाकर भारत नहीं आ पाए, लेकिन इस संस्थान के अध्ययन कार्यक्रम पर उनकी छाप साफ दिखाई पड़ी। उनकी आत्मकथा है मेरी विचार यात्रा, कभी समय मिले तो जरूर पढ़िएगा। फिर साल 1970 की शुरुआत में जेपी ने बिहार में ग्रामदान का प्रयोग किया। इसके बाद इसी दशक में जेपी की राजनीति में ऐतिहासिक वापसी हुई। चंबल घाटी के डाकू से हथियार डलवाकर उन्होंने इतिहास रच दिया था। जेपी के लिए किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम के केंद्र में लोकतांत्रिक विचारों का समावेश और जनता की इच्छा का हमेशा से महत्व रहता था। इसी आधार पर उन्होंने सरकार के कामकाज के मूल्यांकन की वैधता भी देखी थी। यही कारण है कि 1977 में जेपी की देखरेख में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर जनता पार्टी का निर्माण किया था, जो कांग्रेस को हराकर दिल्ली में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार के रूप में स्थापित हुई। आपको याद होगा कि जेपी के नेतृत्व में चले बिहार आंदोलन की संपूर्ण क्रांति की आवाज के कारण इंदिरा गांधी को अपनी सरकार बचाने के लिए देश पर आपातकाल लगाना पड़ा था। तब जेपी ने कहा था कि संपूर्ण क्रांति में 7 क्रांतियां शामिल हैं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और
आध्यात्मिक क्रांति। इन सातों क्रांतियों को मिलाकर संपूर्ण क्रांति होती है। गिरते स्वास्थ्य के बावजूद उन्होंने बिहार में सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की, जिसके अंतर्गत जेपी सहित 600 से अधिक विरोधी नेताओं को बंदी बनाया गया और प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। लेकिन जेपी ने सत्ता का परिवर्तन करवाया, पर वो खुद सत्ता और सरकार से दूर रहे। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू ने भी उन्हें सरकार में शामिल होने का निमंत्रण दिया था, जिसे जेपी ने यह कहकर मना कर दिया था कि उनकी सरकार गांधीवादी कार्यक्रमों के प्रति संवेदनशील नहीं है। वैसे एक समाजवादी चिंतक के रूप में जेपी के विचार ना तो पूरी तरह से गांधीवादी खांचे में फिट होते हैं और ना ही उन्हें मार्क्सवाद की श्रेणी में रखा जा सकता है। चुनाव पर आधारित लोकतंत्र को वो पूरी तरह से जनता की इच्छा का प्रतिबिंब भी नहीं मानते थे। उनका कहना था कि सभी तरह की सत्ता सीधे सीधे जनता के हाथों में होनी चाहिए। उन्हें ट्रस्टीशिप की आलोचना करते हुए भी देखा गया। यानी आजादी के बाद जेपी ने भारतीय लोकतंत्र के लोकतांत्रिक होने पर सोचना शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि भारत जैसे बड़े देश में विकेंद्रीकरण, सामुदायिक स्वास्थ्य और ग्राम सुधार जैसे कार्यक्रम पर जोर दिया जाए। 1974 में जब जेपी ने जन आंदोलन का नेतृत्व संभाला था, तो उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम को सुधारने के लिए जन कार्यवाही का आह्वान भी किया था। उनकी मांग भ्रष्टाचार खत्म करने की थी, चुनाव सुधारने की थी, महंगाई, शिक्षा व्यवस्था बदलने की थी और बेरोजगारी खत्म करने की थी। इस आंदोलन में विपक्षी पार्टियां बड़े पैमाने पर भागीदारी कर रही थी, लेकिन छात्र और नौजवान इस आंदोलन की प्रमुख थाती थे। इन युवकों ने दलविहीन लोकतंत्र के सिद्धांत की संभावनाओं को तलाशना शुरू किया। लेकिन कुछ ही समय बाद 8 अक्टूबर 1979 को जयप्रकाश नारायण का निधन हो गया। 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा समाज सेवा के लिए रेमोन मैग्सेसे पुरस्कार से भी वो सम्मानित हो चुके थे। तो ये थी जानकारी जयप्रकाश नारायण के बारे में। आप जेपी के बारे में क्या क्या जानते हैं? अगर आप कुछ जानते हैं जयप्रकाश नारायण के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनके कार्यों के बारे में, उनके लिखे के बारे में, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये पॉडकास्ट आप ध्येय IAS की वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।